एक सुमन की कथा सुनाऊं आप। सुमन माने पुष्प, अद्भुत कथा है, इसी युग की घटी हुई कथा है, हो सकता है कुछ महानुभावों ने सुनी हो, अद्भुत कथा। एकनाथ जी राम कथा सुना रहे थे, तो एकनाथ जी बड़े भाव में कथा बोलते थे, और ऐसा माना जाता है जब वो कथा बोलते थे भगवान साक्षात प्रकट हो जाते थे उनके कथा मंडप में। कई बार ऐसी घटनाएं भक्तों ने, श्रोताओं ने देखी, स्वयं देखी। एकनाथ जी कथा सुना रहे थे सुंदर कांड की, फिर आगे आगे कथा में प्रवेश करते जा रहे थे, और एकनाथ जी ने कहा कि जो लंका में वाटिका थी, पुष्प वाटिका थी, लंका की जो वाटिका थी उसमें जो पुष्प थे वो श्वेत रंग के थे, सफेद रंग के। अशोक वाटिका में सफेद रंग के पुष्प थे ऐसा सुनाया, और दो तीन बार बोला सफेद रंग के पुष्प थे, सफेद रंग के पुष्प थे। और एकदम लगा उनको कि कोई गला हमारा आके पकड़ लिया है, एकदम दबा दिया। श्रोता बैठे हैं, एक शब्द भी आगे निकल नहीं रहा, सफेद रंग का फूल, इसी पे अटक गया मामला। एक शब्द नहीं बोल पा रहे, नेत्र बंद किए हनुमान जी प्रकट हो गए कि एकनाथ पहले तू ये बता कि लंका मैं गया था कि तू। एकनाथ जी एकदम घबरा गए, ये कथा में चल रहा है, कहने गए तो प्रभु आप ही थे, तो कहे तुझे कैसे पता वहां सफेद रंग के पुष्प थे। कहने वो शास्त्र में तो यही आता है कि सफेद रंग के पुष्प, अरे शास्त्र में आता है, लंका मैं गया था, गलत कथा मत सुना आज के बाद। लंका में जो पुष्प वाटिका थी उसके पुष्प लाल रंग के थे। एकनाथ जी कहे ठीक प्रभु, आज से लाल रंग हम संशोधन कर ले रहे हैं, लाल रंग के थे। बस इतनी आसानी से कहां संशोधन होने वाला था, इतनी आसानी से हो जाता तो देखो हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, कहने ऐसे संशोधन नहीं होगा, ठीक करो फिर से। जानकी जी पहुंच गई, एकनाथ जी और हनुमान जी की वार्ता हो रही है, जानकी जी पहुंच गई, कहे हनुमान चुप, और एकनाथ दोनों शांत हो जाओ, फालतू बात करते हो, तुम तो एकनाथ गए ही नहीं, और हनुमान तो तुम तो दो चार दिन के लिए गए थे, वो भी सब उजाड़ के चले आए, सबको मार डाले, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। अते ही अशोक वाटिका उजारी, अब बता रहे हो वहां पुष्प लाल रंग के थे। सर्वाधिक समय मैं रही हूं लंका में, जानते हो लंका के पुष्प वाटिका में पुष्प किस रंग के थे, कहे बताइए, कहे नीले रंग के थे। अब एक फूल है इसको तीन लोग तीन रंग का बता रहे हैं, एक नाथ जी कह रहे सफेद रंग का क्योंकि शास्त्र कहते हैं, हनुमान जी कह रहे लाल रंग का क्योंकि मैं गया था वहां, जानकी जी कह रही मैं तो वहीं रही थी इसलिए वहां नीले रंग के पुष्प। अब इन तीनों ने कहा सुनिए, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये नीचे फैसला नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कौन है, राघवेंद्र सरकार। इन तीनों ने आह्वान किया, भगवान प्रकट हो गए, और तीनों भगवान के पास अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। प्रभो एक गंभीर समस्या आई है, भगवान ने कहा बोलिए। एकनाथ जी कह रहे हैं लंका के पुष्प वाटिका में पुष्प श्वेत रंग के थे, हनुमान जी कह रहे हैं लंका की पुष्प वाटिका में पुष्प रक्त वर्ण के थे, लाल रंग के थे, और जानकी जी कह रही हैं कि लंका की पुष्प वाटिका में पुष्प नीले रंग के थे। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर दिया, ऐसा उत्तर दिया, तीनों खुश, कहे तुम तीनों सही हो, एकनाथ भी सही, हनुमान भी सही, जानकी जी भी सही। प्रभु अब ये बेकार की बात मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है, पुष्प एक और तीनों सही,
कोई लाल कोई नीला कोई पीला हरा कुछ भी बताए, कहे नहीं नहीं सुनो ऐसा क्यों हुआ। बंधु माताओं प्रभु समाधान कर रहे हैं, एक नाथ तुम सत्य कर रहे हो, शास्त्र झूठ नहीं बोलता, पुष्प तो श्वेत रंग के ही थे। अब ये दोनों लोग एकदम अच्छा, हनुमान बेटा तुमको लाल रंग के क्यों दिख रहे थे जानते हो? क्योंकि तुमने जब लंका की उस भयानक स्थिति भयंकर स्थिति को देखा और तुम जब जानकी के कष्ट को देखे हो, रावण के अत्याचार को देखे हो, तो तेरे मन में लंका और रावण के प्रति खून उतर आया था तेरी आंखों में, और उस खून के कारण तुझे लाल रंग के पुष्प दिख रहे थे, उन खून के कारण तुम रक्त वर्ण के पुष्प दिख रहे। और जानकी तुमको तो नीले रंग के अलावा कोई रंग दिखता ही नहीं संसार में, क्यों? क्योंकि मेरा रंग तो नीला ही है, नीलांबुज श्याम मलको मलांगम सीता समारोह पितवाम पहाड़ो महा सायक चारु चापु नमामि राम रघुवंश नाथ। सुधा साधु सुरतर सुमन सुफल सुफल पांचवा, चार हो गए, चार शकुन का दर्शन करा दिया मैंने, सुधा साधु सुरतर सुमन चारों का दर्शन कथा में एक साथ।